किसका टिकट बेचते? किसका टिकट बेचते? अवैध जुआ और लॉटरी की गिरफ्त में पाकुड़, बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी, लूट रहे मजदूर, बेपरवाह पुलिस कार्रवाई करने में बरत रही लापरवाही। खबर झारखंड के पाकुड़ से है। झारखंड बंगाल सीमा से सटे पाकुड़ जिले में अवैध जुआ, लॉटरी, सट्टा और मटका का धंधा कुटीर उद्योग में तब्दील हो चुका है। इस अवैध धंधे के कारोबारी करोड़पति हो चुके हैं और इसमें गाढ़ी कमाई लगाने वाले कंगाल होते जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पाकुड़ में इस धंधे को खाकी से लेकर खादी का संरक्षण प्राप्त है। शहर से लेकर गांव तक में अवैध जाली एटीएम लॉटरी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इसके खिलाफ समुचित कार्रवाई को लेकर पाकुड़ पुलिस की सुस्ती कई सवालों को जन्म दे रहा है। सूत्रों के अनुसार इस अवैध जाली एटीएम लॉटरी का मास्टरमाइंड रिक्की और अखलाक है। इसके साथ दुलाल कर्मकार पप्पू भगत, नेताजुल, सलीम व गांगुली नामक धंधेबाज जाली एटीएम लॉटरी की छपाई करते हैं, जिसका अड्डा माल पहाड़ी पेट्रोल पंप के निकट एक छोटे से घर में है। साथ ही सोनाजोड़ी रेलवे फाटक, नगर थाना पाकुड़ से सटे हाटपाड़ा चाय दुकान, गांधी चौक, बस स्टैंड, तोड़ाई आदि जगहों पर प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए के जाली लॉटरी बेचे जाते हैं। चंद मिनटों में करोड़पति बनने के लालच में लोग लॉटरी की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता राहुल के पास और इस अवैध कारोबार के पीछे किसका हाथ है और क्या कर रही है स्थानीय पुलिस प्रशासन। राहुल, झारखंड में लॉटरी, जुआ, सट्टा, मटका अवैध माना जाता है, बावजूद इसके जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं इसमें साफ देखा जा सकता है कि पाकुड़ में अवैध लॉटरी और सट्टा का कारोबार फल फूल रहा है। क्या वजह है और क्या कर रही है स्थानीय पुलिस प्रशासन? मैडम, स्थानीय पुलिस प्रशासन का तो जब स्थानीय पुलिस प्रशासन को रोजाना खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी वो अपने क्या बोला जाता है कि अपने ही में आ ही नहीं, रुतबे पे नहीं आ रहे हैं। चलिए, जो लॉटरी माफिया है, जैसे लॉटरी माफिया पाकुड़ के बड़े लॉटरी माफिया रिक्की, नेताजुल, दुलाल कर्मकार, एक लाख जो रोजाना पाकुड़ जिले में रोजाना 20 से 25 लाख रुपए का जाली लॉटरी एटीएम लॉटरी टिकट खुद से ही छपवाते हैं और खुद बिक्री करवाते हैं, जिससे उनको मुनाफा लगभग महीने का करोड़ों का होता है। इस अवैध धंधे को सफेद पोशों का भी संरक्षण प्राप्त है? जी 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 जी, एकदम। अगर यदि सफेद पोश उसमें यदि हावी नहीं होते हैं तो कब का प्रशासन अपना कार्य कर चुके होते, लेकिन प्रशासन भी मौन है। इसमें प्रशासन का कोई कुछ नहीं, रोजाना अखबार पे हो या न्यूज चैनल पे हो या फिर कोई चीज पे भी न्यूज निकलती है, लेकिन प्रशासन एकदम गहरी नींद में सोई हुई है। राहुल, कितने का कारोबार प्रतिदिन पाकुड़ में हो रहा है और इससे सरकार को क्या हानि हो रही है? सरकार को राजस्व प्राप्ति हो नहीं रही है, प्लस रोजाना लगभग 20 से 25 लाख और लॉटरी माफिया के महीने की कमाई लगभग करोड़ों की है। उससे अच्छा हो कि सरकार को राजस्व प्राप्ति होगी, उससे अच्छा सरकार इसको स्वीकृति दे दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि सरकार को भी राजस्व प्राप्ति हो, क्षति ना हो राजस्व की। राहुल, क्या कभी इन धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई होती है और यदि होती है तो अब तक वे खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई होने का भी बस वही छोटे मोटे जो खुदरा विक्रेता है बस उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, अब बस कुछ ले दे के बस समाधान हो जाता है। बड़े जो माफिया है, लॉटरी माफिया रिक्की, नेताजुल, दुलाल, पप्पू भगत, गांगुली, एक लाख, इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं है। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि प्रशासन को हम ले दे के चलते हैं, इन सभी का कहना है। जी, आपसे अंतिम सवाल राहुल जी की, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? कम वर्ग वाले के मजदूर किस्म के लोग के जो ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है, ऊपर से अगर जैसे ऐसे रोजाना प्रतिदिन 20 से 25 लाख अवैध लॉटरी का कारोबार चलता रहा तब ऐसा दिन दूर नहीं है जिससे पाकुड़ के आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होने में वक्त लगेगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की युवाओं और मेहनतकश मजदूरों से अपील, अपनी गाढ़ी कमाई इस तरह से बर्बाद ना करें, इसे ना गवाएं। इसे कमाने के लिए आप जीतोड़ मेहनत करते हैं, इसे अपने परिवार और बच्चों के लिए सहेजें। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड। मुझे इजाजत दीजिए, जल्द ही ऐसे खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।